அது நம்ம கண்ணுக்கு படையிலனாலும் வேறு எவன் கண்ணுக்காவது படம் दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत जी साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फ़िल्म का नाम रखा गया है यानी uh -huh उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जो के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानो ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट 200 करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड रहे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक साइड रहे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट 200 करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमान के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साहु की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फ़िल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फ़िल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जो मांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने ले के लिए कितने साइड रहें अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साऊ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में इंद्रजीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुँचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत जी साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फ़िल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक सीड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानो ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक साइड रहे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउथ की एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट 200 करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत साउथ हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड आए अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साऊ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फ़िल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारिका हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जो के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो, तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है Sea, तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्सडीड रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारिका हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस तो कालाई पोली एस ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो सौ करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड रहें अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउ की एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउथ की एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक ख़ास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही इंद्र का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुँचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत जी साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फ़िल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने, तो ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक सीड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक ख़ास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का कर नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु था ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस था उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो सौ करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिज़नेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में इंद्रजीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं Osionfish. तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत साहू की ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुँचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो तो दोस्तों दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में में अपडेट के 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 साथ तब तक लिए टेक केयर तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत साहू हाँ की एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक सीड हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक ख़ास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का कर नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट 200 करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बाजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक तो के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साऊ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का है, जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो सौ करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिज़नेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में इंद्रजीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो तो दोस्तों दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में में अपडेट के 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 साथ तब तक लिए टेक केयर तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साहु की एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही इंद्र का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारिका हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही था साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक सीड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक ख़ास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का कर नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं Osionfish. तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फ़िल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फ़िल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्हें फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जो मांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में इंद्रजीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं Sea, तो, दोस्तो अगर की की तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साहू की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में इंद्रजीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुँचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु था ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस था उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया, किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का कर नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साउ की एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में इंद्रजीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाारी का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का कर नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो, तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों था ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें का है हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साहु की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जो मांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साऊ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फ़िल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बाजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जो मांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो सौ करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने ले के लिए कितने साइड रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक ख़ास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में इंद्रजीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुँचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो सौ करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिज़नेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साहु की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्हें फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का कर नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट 200 करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड रहे अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की, की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो तो दोस्तों दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में में अपडेट के के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साउथ की एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो, तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक सीड हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जो मांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने ले के लिए कितने एक रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साऊ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फ़िल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनाली का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों तो तो अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साऊ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फ़िल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारिका हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बाजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमांजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत जी साउथ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं जिन्होंने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्होंने फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस कैरेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानो ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो सौ करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड रहे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंदिराजीत ये साउ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोनारी का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे हैं जिन्हें फिल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर काला प्रभु थानो ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली ऐसा उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइड हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो तो दोस्तों दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में में अपडेट के के साथ तब तक लिए टेक केयर तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत साउथ की एक बहुत ज्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें सोना का है जो ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जो ने फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और जबरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत साउथ हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फिल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही जीत का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करेक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें का है जो ने फ़िल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी जो ने फिल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलम का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बांजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जुमानजी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसकी तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को राइटर भी यानी काला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानू ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फिल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के कि लिए कितने एक रहे हैं अगर आपको फिल्म वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल की एक और ज़बरदस्त फिल्म की जिसका नाम है इंद्राजीत ये साऊ की एक बहुत ज़्यादा हिट फिल्म और साथ साथ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म भी है जिसकी कहानी के मुताबिक फिल्म में एक खास हीरे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ताकि इसकी सारी पावर हासिल करना चाह सकें और हासिल करके पूरी जगह पर राज कर सकें फ़िल्म ने इस हीरो को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए जिस एक्टर ने हीरो का रोल अदा किया है उसका नाम गौतम कार्तिक है जिसके नाम पर ही फ़िल्म का नाम रखा गया है यानी उन्होंने ही फिल्म में ही का रोल अदा किया है और फिल्म का नाम ही इसी करैक्टर के नाम पर रखा गया है फिल्म में और भी बहुत से अहम नाम देखने को मिलेंगे जिसमें का हैं ने फिल्म में मीता का रोल अदा किया है और आशीष शेट्टी ने फ़िल्म में समीता का रोल अदा किया है एक और बहुत अहम नाम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है जो कि इस फिल्म का मेन विलन है जिसने बहुत पावरफुल किस्म का रोल विलन का इस फिल्म में अदा किया है जिसके रोल को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया फिल्म में विलन का रोल अदा करने वाले अदाकार का नाम सुधांशु पांडे है जिन्हें फ़िल्म में विलन का रोल अदा किया है उन्होंने फिल्म में जो रोल प्ले किया है इस करेक्टर का नाम कपिल शर्मा है और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक गेम जैसी फिल्म है जिसमें बहुत से टास्क को पार करके फिर आखिर में इस हीरे तक पहुंचना होता है और इस फिल्म की अगर बात करें तो इसे बॉलीवुड के लेवल का बनाने की कोशिश की गई है बॉलीवुड की एक बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म एडवेंचर और हिट फिल्म जिसको बाजी जो कि बहुत से लोगों के मुताबिक इस फिल्म को जो मांझी के जैसा बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसके तरह कॉपी करने की भी कोशिश की गई है और कॉलीवुड इस किस्म की फिल्में बनाने में तो बहुत माहिर हैं तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर कला प्रभु थानों ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों और इस फिल्म की राइटर की बात कर ली जाए तो इस फ़िल्म को राइटर भी यानी कला प्रभु ही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कालाई पोली एस थानों ने प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों इस फिल्म को एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की अगर कमाई की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट दो करोड़ था और इस फिल्म ने इससे भी डबल का बिजनेस किया यानी डबल कमाई की और अब तक इस फ़िल्म से इस फिल्म के बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने साइड रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर